नमस्कार, मैं केशव कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम फाइनेंस, ग्रेटर नोएडा, नोएडा गौतम बुद्ध नगर बोल रहा हूँ। आप सभी से मेरी अपील है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम शुरू हो गया है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक यह काम चलेगा, जिसमें जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हैं या उनके नामों में कोई गड़बड़ी है, स्पेलिंग की मिस्टेक है या कोई पते की गड़बड़ी है, या उन्होंने अपना पता शिफ्ट कर लिया है, एक मोहल्ले से किसी और मोहल्ले, किसी और सोसाइटी में रहने चले गए हैं, और या उनके घर में कोई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो अब जीवित नहीं है या कहीं शिफ्ट कर गए हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटना जरूरी है, तो इन सब कामों के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म, जैसे नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7, नामों में संशोधन के लिए फॉर्म 8, और अगर आपका पता बदल गया है तो फॉर्म 8 का, ये चारों फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध है। और ये अभियान अगले 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान आज जैसे 9 सितंबर है, उसके बाद 23 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, इन सभी संडेज को विशेष अभियान की डेट्स हैं। जैसे उसमें से आज 9 सितंबर है, इनमें BLO सभी बूथ पे आपको उपस्थित मिलेंगे। आप वहाँ जा करके इन सारे फॉर्मों की उपलब्धता है, वहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं और वहीं जमा करा सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे ये सारे फॉर्म उपलब्ध हैं, वहाँ ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ज़रूरी सूचना आपको ये देना आवश्यक है कि भले ही आपके पास वोटर आई कार्ड पहले से मौजूद हो, आप फिर भी आपसे अपेक्षा है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में, जो कि 1 सितंबर को प्रकाशित हुई है, उसमें अपना नाम अवश्य जरूर चेक कर लें, क्योंकि यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि वोटर लिस्ट भले ही आपके पास उपलब्ध हो, यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो भले ही आपके पास वोटर आई कार्ड उपलब्ध हो, आप इलेक्शन के दिन वोट नहीं दे पाएंगे। तो अतः आपसे सभी से पुनः अनुरोध है कि कृपया इन विशेष अभियान की तिथियों को, जो मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 7 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, ये सारे संडेज़ हैं। इनमें आपके जो भी निकटस्थ बूथ है जहां आप रहते हैं, वहां पर जाएं, वहां पर BLO उपलब्ध मिलेंगे, वोटर लिस्ट के साथ मिलेंगे, वहां पर अपना नाम जरूर चेक करें, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पे, नाम ना होने पे या स्पेलिंग मिस्टेक होने पे, तो जिन फॉर्मों के बारे में मैंने बताया है उसे भर के तत्काल जमा करें। और ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, भले ही आपके पास वोटर आई कार्ड हो, लेकिन अगर आपका नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में, तो आप पोलिंग के दिन, इलेक्शन के दिन वोट नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद।